तो इसमें नया चैप्टर है तुम्हारा साझा पार्टनरशिप। हाँ, एक भी फॉर्मूला नहीं है इसमें, एक भी, ऐसे ही हो जाता बिना फॉर्मूले के। अब देखो कैसे होगा ना, इसमें कुछ बताना, बस एक पॉइंट बताना है, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। पूंजी क्या होती है, जो पैसा लगाते हैं व्यापार में उसको क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चनों पे आओ डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक, इसमें बोला गया है तीन व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 रुपये लगाते हैं। सपोज करो ए बी सी हैं, ए बी और सी, और इन्होंने कितने कितने पैसे लगाए, 600, 800 और 1000। ठीक है, चलिएगा। तो पहले तो पूर्ण अनुपात में बदलेंगे, कोई कैंसिल हो सकता हो तो कैंसिल करते हैं, तो दो दो जीरो कैंसिल हो रही है, कितनी जीरो कैंसिल हो रही है, तो दो तिया छः, दो चौक आठ और दो पंजे दस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ हो, मतलब लाभ 480 का हुआ, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो ये कुल लाभ है, तो लाभ किसको बराबर रखते हैं, पूंजी के, तो कुल पूंजी के बराबर रखेंगे, तीन और चार सात और पाँच बारह बराबर 480, 400 तो एक बराबर बारह चौक तो 40 आ गया। कौन से वाले का हिस्सा पूछ रहा है, पहले वाले व्यक्ति का हिस्सा पूछ रहा है, जो कि कितना है, तीन, तो एक तिया तीन और चार तिया बारह, 120 आ गया। समझ, कुछ थोड़ी ना है क्वेश्चन में, ये चीज़ें तुम्हें पहले से ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर दो जो है बिल्कुल आसान है, दो साझेदार व्यवसाय में 9000 और 10500 का निवेश करते हैं, यदि पूंजी के निवेश में अनुपात में 6500 रुपये का लाभ, बिल्कुल वही है, कुल लाभ 6500 है, टोटल रख के एक निकाल के दूसरे का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान किरण से 27000, 81000 और 72000 रुपये लगाकर खोली, एक साल के अंत में तीनों में बांटा गया लाभ, यदि किरण का लाभ अंश, देखो ध्यान से देखो, कौन कौन है, संयोग है, किरण है और किशोर है, कौन है, किशोर है। तो देखो, संयोग ने तो 27000 रुपये लगाए, हाँ, और किरण ने कितने लगाए, 81000 रुपये, कितने लगाए, और किशोर ने कितने लगाए, 72000 रुपये, कितने लगाए, 72000 रुपये। तो तीन जीरो तो कैंसिल हो रही हैं सबकी, ये लीजिए, अब ये नौ से कैंसिल हो रहा है, नौ तिया नौ निम नौ अट्ठे नौ अट्ठे, तो तीन नौ आठ का अनुपात आ गया। अब उसने जो हिस्सा दिया है केवल किरण का दिया है, किरण का लाभांश 36000 है, तो यहाँ किरण कौन है, ये, यही तो था किरण, तो 9 बराबर 36000 रखा जाएगा, 9 बराबर कितना रखा जाएगा, 36000, तो 1 बराबर 9 चौक, भाई एक कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे भाग करते हैं, तो 1 बराबर 4000 आ गया। तो कुल लाभ बुझरा ने जोड़ दो, 3 और 9 12 और 8 20, तो 20 से गुणा कर लेंगे, तो 20 ही कम 20 और 20 चौक 80, तो 80000 हो जाएगा, है ऑप्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चार, तीन भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपये लगाते हैं, लाभ 880 होने पर अंतिम, बिल्कुल आसान है, तीनों के हिस्से रख के कैंसिल करके टोटल करके 880 के बराबर रख के एक निकाल के अंतिम का बता देना। क्वेश्चन नंबर पाँच, किसी पूंजी के साथ ए बी और सी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान 10000 है, यदि 1000 के कुल लाभ में से, देखो ये बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर पाँच, पाँच पे आ जाओ, पाँच में क्या है, इसने ये कहा किसी पूंजी के साथ ए बी सी, ए है बी है और सी है, ठीक है, का जिसमें ए का अंशदान 10000 है, ए का अंशदान कितना है 10000, आगे कह रहा है यदि 1000 के कुल लाभ में से ए को तो 500 मिले, अरे ए को कितने मिले, कुल लाभ 1000 का था उसमें से 500 तो ए को ही मिल गए, बी को 300 मिले, तो बचा कितना, भाई टोटल लाभ 1000 का था तो 800 तो उन दोनों में बट गया, तो 200 ही तो बचा, हाँ, अब कैंसिल कर लो, जीरो खत्म होगी आपकी, तो 5 अनुपात 3 अनुपात 2, हाँ,
क्यों भाई? अब देखो उसने किसका हिस्सा दिया, ए का अंशदान 10,000 था, तो यहाँ से ए उठा लो आप, तो ए कितना 5 बराबर 10,000, हाँ तो 5 दुनी तो 2,000। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सी की पूंजी तो कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू निकाल दो, तो 2 दुनी तो 4,000 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, किरण संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 से आरंभ किया, किरण ने संयोग से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, किरण संयोग और तीसरा कौन है, किशोर, तीसरा कौन है, किशोर, हाँ ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया, किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए हैं और संयोग ने किरण किशोर से, संयोग ने इससे अधिक और इसने इससे अधिक, तो इसको मान लो एक्स, इसको क्या मान लो, जिसका नाम सबसे बाद में लिया गया हो डिटेल देने में उसको एक्स मान लो। तो इसने किशोर से कितने ज़्यादा लगाए हैं, संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए हैं, तो एक्स प्लस 300 एक्स प्लस, और किरण ने संयोग से कितने अधिक लगाए हैं, हाँ 500, तो इसमें 500 जोड़ दो तो 500 300 800 हो जाएगा, तो x प्लस 800 x प्लस 800 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि लाभ 1410 का हो तो किरण को कितना लाभ होगा। अच्छा शुरू में क्या कहता, किरण संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया था, तो वो पूंजी है ना कुल, तो आप भी इसका टोटल करो जरा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1100, और व्यवसाय में लगाए कितने थे 4700, कितने लगाए थे, तो पूंजी बराबर पूंजी रख दिए, पूंजी बराबर पूंजी रख दिए, तो 1100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 20 तो खत्म, 7 में से एक गया तो 6 और 4 में से एक गया तो 3600, अब 3 की गुणा हो रही है इधर तो उधर तो भाग होगा, तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6 तो 1200। अब इनके दोबारे से हिस्से निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है, दोबारे से दो स्टेप का क्वेश्चन है ये आपका। तो हम क्या करेंगे, 1200 यहाँ रख दो, 1200 और 800 कितना हो जाएगा, तो ये किरण का आ जाएगा हिस्सा 2000, ठीक है। फिर ऐसे ही हम संयोग का हिस्सा निकालेंगे, तो वो x प्लस 300 है, x का मान 1200 और 300 कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, और इस तरह से फिर किशोर तो x ही, और x की वैल्यू तो 1200 है, तो 1200 ही रह जाएगा। अब जीरो आप कैंसिल कर लेंगे, अब आप 5 से नहीं होने का है ना, अब नहीं होने का ये, तो 20 15 और 12 20 15 और 12 अब टोटल कर लो, टोटल लाभ दिया है शायद उसने, क्यों भाई, 2 और 5 7 1 और 1 2 और 2 4 तो 47, और उसने कुल लाभ कितना दिया है 1410 दिया है, 1410। अब ये इससे कितनी बार कैंसिल हो सकता है, 30 बार, 3 सत्ते किसको एक हासिल दो, 3 × 12 और 2 × 14 और जीरो ऐसे ही आ जाएगी, तो 1 = 30 आ जाएगा आपका, 1 = कितना आ जाएगा 30। उसके बाद क्या पूछना चाह रहा है, किरण को कितना लाभ मिलेगा, तो किरण कौन सा था, किरण सबसे लास्ट पहला था, सबसे पहला था, तो 20 की वैल्यू निकालेंगे आप, किसकी वैल्यू निकालेंगे 20 की, तो 20 ही कम 20 और 20 की दर गुणा करेंगे आप, तो ये 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा है ऑप्शन में 600। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। सातवां क्वेश्चन, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं, यदि ए बी से 7,000 अधिक बी सी से 5,000 अधिक अंशदान दे और कुल लाभ 9400 रुपये में हो तो बी को प्राप्त होगा, क्यों भाई, तो इसके जैसा ही तो क्वेश्चन है ये, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा क्वेश्चन नंबर ऐसा ये भी क्वेश्चन है आपका, तो करने का प्रयास करना, अगर ना हो तो पूछ लेना 10 तक कर लेना, इन क्वेश्चनों को कहाँ तक कर लेना 10 तक कर लेना, नोट करो। 11वां क्वेश्चन, ए और बी एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी थी। देखो ए और बी हैं, ए और बी हैं, इसने ये कहा है ए का निवेश बी के निवेश का तिगना था, बी के निवेश का तिगना था, अगर इसने 1 लगाया है तो इसने 3 लगाए, और समय क्या कहा गया है, समय अगर और उनके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी है, अगर इसने 1 अवधि के लिए लगाया है तो इसने 2 अवधि के लिए, बात समझ में आ गई। अच्छा
और कुछ नहीं है, पहले इसको सोल्व करेंगे आप। तो तीन दुनी छः अनुपात एक, छः अनुपात। अब तुम्हें क्या दे रखा है इसने, अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो बी का लाभ दे रखा है, किसका लाभ दे रखा है, और यहाँ बी कितना एक, तो बी बराबर बी रखेंगे तो एक बराबर 4000 हमने रख दिया। उसके बाद तुमसे क्या पूछना चाह रहा है ये, तो कुल लाभ, तो छः और एक तो सात की वैल्यू निकाल देंगे आप, तो सात ही कम सात और सात चौक कितने होते हैं, तो 28000 आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या है, बारवा क्वेश्चन पढ़ो जरा एक मिनट। क्वेश्चन है 12वां, एक व्यापार में ए बी सी तीन साझेदारों को 95000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया। देखो भाई, ए बी सी है, ए है, बी है और सी है, ठीक। इसने ये कहा है ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, हाँ, ये पूंजी है अमाउंट और ये समय है। और क्या बोल रहा है, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया, या तिहाई समय के लिए लगाया, और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्से। तो देखो ध्यान से, पूंजी यहाँ हमें पता नहीं है कितनी है, तो मानना पड़ेगा। अब मानते क्या हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मानते, नीचे वाली संख्याओं का क्या, तो यहाँ नीचे कौन है, दो, और यहाँ नीचे कौन है, तीन, तो दो और तीन का एलसीएम मान लो, तो पूंजी छः मान लेंगे। ऐसे ही समय में यहाँ दो है यहाँ तीन है, तो समय भी छः मान लेंगे। तो पूंजी कुल छः है, समय कुल छः है, ठीक है, पूंजी छः और समय छः है, बात समझ में आ गई। तो आप मान लेंगे छः, इसे पर्दे को सही कर देना भाई। टोटल जो है पूंजी छः है, पूंजी कितनी है छः है, तो ए ने कितना लगाया है, पूंजी का एक तिहाई, पूंजी का कितना लगाया है, एक तिहाई लगाया, पूंजी का एक तिहाई। तो देखो छः का जब आप एक तिहाई निकालोगे, या आधा लगाया ए ने, तो गलत पड़ गया, ए ने आधा लगाया, तो छः का आधा तीन, और आधे ही समय के लिए लगाया है, आधे ही समय के लिए, समय भी हमने कुल छः माना है, पूंजी भी हमने कुल छः मानी है, तो छः का आधा तीन ही होता है। बी ने तिहाई लगाया है, तो पूंजी छः है, तो छः का तिहाई निकालेंगे तो एक बटे तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीन दुनी छः, और तिहाई समय के लिए ही लगाया है, तो समय भी छः है। अब देखो टोटल पूंजी हमने छः मानी थी, छः में से तीन और दो पाँच तो लग चुकी है, तो बची कितनी एक, तो ए वो सी लगाएगा, कौन लगाएगा, सी, और इसने पूरी अवधि के लिए लगाई है, पूरी अवधि के लिए, तो पूरी अवधि छः मानी थी, पूरी अवधि कितनी मानी थी, आ रहा कुछ समझ, बस। अब तीन तिया नौ, दो दुनी चार और छः ही कम, अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, कोई है ऐसी संख्या जो इन्हें कैंसिल कर दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो अब कुछ दे रखा होगा इसने लाभ वगैरह, तो कुल लाभ जो था या साझेदार का कुल लाभ जो 95000 है, तो आप भी कुल करेंगे तो 6 4 10 9, तो 19 बराबर हो जाएगा 95000, 95, तो 1 बराबर 5000, 1 बराबर कितना। अब तुमसे क्या पूछ रहा है ये देख लो आप, बी का लाभ, बी का लाभ में हिस्सा, तो बी ये रे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 20000, कितने हजार हो जाएगा 20000। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें ये है ए बी सी एक चरगाह किराए पे लेते हैं, ए है बी है और ये एक चरगाह किराए पर लेते हैं, तो ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है और बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है, 3 माह तक कितने 15 बैल चराता, ठीक है। तो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से हो रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 और 5 दिया, अब कोई है, अब नहीं है, 7 दूनी 14, 12 ही कम 12 और 3 दिया 9। अब देख लो इसने आपको कुछ दे रखा होगा, कितने रुपए में किराए पे लिया था, 175 रुपए में, तो आप टोटल कर लो, क्या कर लो, तो इनका जब टोटल करोगे तो कितना बैठेगा, 35 बैठेगा, कितना बैठेगा, तो 35 बराबर 175, 35 बराबर कितना 175। अब बराबर रखने के बाद तो एक निकालते, कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे डिवाइड करते, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 और 116, 5 5 25 और 5 3 15, 5 बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी, तो सी का हिस्सा कितना 9, तो आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 ही कम 9 और 9 5
45 तो ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है, क्यों भाई 14 पे आ जाएंगे। देखो तो इसमें आपको समझाते हैं, थोड़ा सा दिमाग खर्च करो। X और Y एक व्यापार में साझेदार हैं, X और Y एक व्यापार में क्या है, साझेदार हैं। बात समझ में आई? वो कह रहा X पूंजी का 1/3 भाग, यही समझना है, X पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। अब ध्यान से सुनो, हमने तुम्हें बहुत बार समझाया है, बटे की यह भिन्न या बटे की संख्या से पहले का की के जिसके लिए लगता है वो नीचे का होता है और ऊपर वाला दूसरा होता है। यहाँ 2% कौन कौन, एक तो एक्स और एक पूंजी है, ठीक है। तो ये जो का है पूंजी के लिए लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कुल पूंजी 3 है और ऊपर जो है वो ये है एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल पूंजी में से 3 जो है 1 रुपया एक्स लगा रहा है। 1 रुपया कौन लगा रहा है, एक्स लगा रहा है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? जब इसने 1 रुपया लगाया तो 2 रुपये वाई ने लगाए, क्योंकि कुल पूंजी 3 है। कुल पूंजी कितनी है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, समय अवधि भी दी गई है इस क्वेश्चन में। इसमें ये कहा गया है 9 महीने के लिए लगाता है, ये कितने माह के लिए लगाता है। क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो पता चलेगा वो इसका समय पूछ रहा है, वाई वाले का क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। पर उससे आगे एक बात और कही है इसने, वाई लाभ का 2/5 भाग, वाई लाभ का 2/5 भाग लगाता है, प्राप्त करता है, लाभ तो प्राप्त करा जाएगा ना। अब देखो ये का किसके लिए लग रहा है, 5 के लिए, अरे लाभ के लिए, तो लाभ 5 है, लाभ कितना है, और दूसरा ऊपर वाला वो होता है जो दूसरा पर्सन है यहाँ, तो वाई। तो कुल 5 रुपये के लाभ में से 2 रुपये वाई को मिले, वाई को कितने मिले, 2 रुपये मिले वाई को, हाँ। तो वाई को 2 रुपये मिलेंगे लाभ के, और टोटल लाभ कितना है 5, तो एक्स को कितने मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे 3, एक्स को कितने मिलेंगे 3 मिल जाएंगे एक्स को, ठीक है। अब मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था, आप उसको याद करो, पहली लाइन क्या लिखी होगी, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। तो पूंजी 9/2t, क्यों भाई, हाँ, ये किसकी पूंजी है, एक्स की, तो एक्स का लाभ, ये किसकी पूंजी है, वाई की, तो वाई का लाभ। पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, एक्स कहाँ से आ गए, ये 3 आएगा भाई, ये एक्स की पूंजी है तो यहाँ एक्स का ही लाभ आएगा, ये वाई की पूंजी है तो यहाँ वाई का ही लाभ आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और टी पूछ रहा है वो निकल जाएगा आराम से, 3 ही कम 3, 3 + 9 और 2 ही कम 2, इसको इधर पहुंचा दो तो टी बराबर 3 महीने आ जाएगा, है ऑप्शन, आगे समझ चले। 15 पे आ जाओ, तो 15वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, ए बी एव सी ने मिलकर 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। पहले पैसे लगवा दो, ए बी और सी 3, 4 और 5 के अनुपात में। अब इसने सी ने क्या करा, 6 महीने बाद आधा वापस कर लिया, 6 महीने बाद कितना वापस कर दिया, कर लिया, वापस कर लिया। देखो इसके अकाउंट में कितने रुपये थे, 5 रुपये थे, या 5 लाख मान लो, 5 लाख मान लो, या हाँ सपोज करो 5 लाख थे, तो 6 महीने बाद आधे वापस ले लिए, तो 6 महीने तक तो 5 लाख चले उसके, 6 महीने तक तो चले, अब आधे निकाल लिए, तो आधा मतलब 5 का आधा 2.5 लाख निकाल लिए, तो बचे कितने, 2.5 लाख रुपए बचे, मतलब 2.5, ठीक है। अब 1 साल का क्वेश्चन है ये, कितने साल का क्वेश्चन है, तो आगे समय कितना और बच रहा है, 6 माह। अच्छा, इन्होंने नहीं निकाले, ना डाले ना निकाले, जो था पहले से था। अच्छा, अगर तुमने किसी एक में समय की गुणा करिए तो फिर सब में समय की गुणा करनी पड़ती है, या तो किसी में भी मत करो, और जब गुणा नहीं करते जब सबका समय बराबर हो। तो यहाँ थोड़ी कंडीशन चेंज हो गई है, तो इनका पैसा 12 माह तक ऐसे ही चलता रहा, इनका पैसा 12 माह तक ऐसे ही, तो 12 तिया और 12 चौक 48, 5 छंग 25 छिक्का 150, और एक स्थान पर पॉइंट लग जाएगा, एक स्थान पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 0 तो गायब हो जाएगी, 0 क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये जोड़ लो, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45। अब किसी से कैंसिल हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, तो ये 12 बार, ये 4 बार और ये 15 बार, ये कितनी बार। अब देखो टोटल कुछ दिया होगा इसने ज़रूर, यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी, हाँ, तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो उसमें ए और सी के हिस्से के बीच अंतर बूझ रहा है ना,
एक काम करो आप, ये जो ये द्वारा लगाई गई राशि है इसकी ज़रूरत नहीं है, अनुपात है हमारे पास, ठीक। तो कुल लाभ कितना दिया 86,000, तो आप भी कुल कर लो कितना हुआ 43, तो 43 बराबर 86,000, तो 1 बराबर कितना 2,000। अब वो अंतर बुझ रहा है ए और सी का, ए और सी का क्या पूछ रहे हैं, तो 12 में और 15 में कितने का अंतर है, 3 का है, तो 3 दुनी तो 6,000, कितना 6,000, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16वें क्वेश्चन पे आ जाओ, आ गया समझ। अरे ये 15वां तुम्हें आ गया समझ, 27,000 जो था उसने अनुपात भी दिया है पूंजी का और वैल्यू भी दी है पूंजी की, है ना। हमारे पास पहले से ऑलरेडी वैल्यू है लाभ की, तो उसका छोड़ दो, से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 16 पे आ जाएंगे, 16 पे एक ए व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बनता है। देखो 16 क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या है, ए कितने से 3500 रुपये से, ए ने लगाए 3500 रुपये, और 5 माह बाद, कितने माह बाद, 5 माह बाद बी भी आ गया है, और उसने कितने रुपए लगाए, 5 महीने बाद उस बी उसका साझेदार बनता है, और वर्ष के अंत में, अच्छा एक वर्ष के बाद दोनों के बीच 2 और 3 के अनुपात में विभाजित होता है लाभ, ठीक है। तो 1 साल का क्वेश्चन है, तो ये 5 माह बाद आया, और 1 साल में 12 माह होते हैं, तो कितने माह तक पैसा चला, 7 माह तक। सपोज करो इसने एक्स रुपये लगाए, कितने रुपये लगाए, तो इसके रुपये तो 7 माह तक ही रहे, और ये तो स्टार्टिंग से ही था, तो इसके 12 माह तक ही रहे, कितने माह तक, 12 माह तक, ठीक है। 7 ही काम और 7 पंजे 35 और 12 पंजे 60, तो कितना हो गया 6,000, अनुपात एक्स, ठीक है। अब पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, तो 6,000 बटे एक्स बराबर, लाभ का अनुपात दिया है उसने 2 और 3, तो 2/3, 2/3, तो 2 3 तो एक्स बराबर 9,000, एक्स बराबर कितना, तो उसने 9,000 रुपये लगाए, कितने रुपए लगाए 9,000, आ गया समझ तुम्हें। 17वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ए बी सी साझेदारी में सम्मिलित हुए इनकी पूंजियों का अनुपात, ए है बी है सी है, और उन्होंने 1/3 अनुपात 1/4 और अनुपात 1/5 हाँ के अनुपात में है। पहले इसको सही कर लो, तो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, तो 3, 4, 5 का एलसीएम, तो ये आपस में गुणनखंड तो मैच खाएंगे नहीं, गुणनफल ही होगा, क्यों भाई, तो 3, 4, 12, 5, 60 एलसीएम हो गया, ठीक है। इससे ये 20 और 20 ही कम, और इससे ये 15 ही कम, और इससे ये और 12 ही कम, और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब किसी से ये कैंसिल तो हो नहीं रहे, अब आगे पढ़ो, आगे कहानी क्या है इसमें, आगे ये बोला ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है, बस ए ने वापस लिया 4 माह के बाद, तो 4 माह तक तो उसके पूरे पैसे लगे रहे, 4 माह तक इसके पूरे पैसे लगे रहे, और 4 माह बाद इसने आधे निकाल लिए, तो 10 निकाल लिए, तो 10 बचे, और 1 साल का क्वेश्चन है, तो आगे समय कितना बच रहा, 8 मंथ, ठीक है। और ये जो है बी, इसके 15 रुपये 12 माह तक ही, और ये जो सी है इसके 12 रुपये 12 माह तक ही, ठीक है। समय की गुणा फिर सब में करनी होती है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 और 10 8 80, तो 80 और 80 160 160, और 15 की और 12 की गुणा 180 आ जाएगी, और 12 की और 12 की गुणा 144 आ जाएगी। अब बताओ कितने से कैंसिल हो रहे हैं ये, हाँ 4 से, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचे 2, 4 5 20, और 4 3 12 बचे 2, 4 6, अभी किसी से कैंसिल हैं, किसी से नहीं है, नहीं है तो जाने दो। तो कुल लाभ 874 में एक हिस्सा, तो कुल लाभ दिया तो इन्हें जोड़ लो, 121, और उसने कुल लाभ कितना दिया, 847, तो कितनी बार, 7 बार, 7 ही कम 7, 7 2 14, 7 और 1 8, तो 1 बराबर 7 आ गया। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ए का अंश, तो ये तो 40 है, तो 40 की गुणा 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा, 7 चौक 28, तो कितना हुआ 280, ठीक है।
इस तरह से कर सकते हो आप इस 17वें क्वेश्चन को। 18वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला, यदि दोनों के भाग का अंतर 36 है तो कुल धन कितना है। ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। ए का मतलब व्यक्ति ए, मान लो आप व्यक्ति ए, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 और दूसरा भी शेष का 3/8, तो बटे में तो 8 है, बटे में कितना है, तो आप टोटल राशि 8 मान लो। टोटल राशि कितने मान लें, तो पहले को 8 का 3/8 मिला, तो कितना मिला, 3 मिला। अच्छा, और उसके साझेदार को शेष का, तो बी, तो टोटल तो हमने 8 माना था, 8 में से 3 हटाओ तो 5 का कितना मिला, 3/8, तो कितना हो जाएगा, 15/8, 15/8, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो, तो इनका अंतर दिया है उसने, इनका अंतर दिया है, तो 3 - 15/8 और कितना दिया है उसने, 36, तो 3 × 8 = 24, तो 24 में से 15 घटा दो, 9/8, 9/8 बराबर कितना, 36, 9 * 9 = 4, तो 8 * 4 = 32। अब किसका पूछ रहा है वो, तो कुल धन था तो वो तो हम 8 माने थे, तो 8, तो 8 × 2 = 16, 8 + 24 = 1 = 25, तो 256 कितना, चलो नोट कर लो। 19वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 19, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और सी को 5000 मिले, तो ए को लाभ के फलस्वरूप कितना मिला। अरे देखो, ए को 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला और सी को 5000 मिले, तो ये पता लगाओ कुल लाभ था कितना, तो मानना पड़ेगा, तो 3 × 4 LCM मान लो, तो कुल लाभ मान लो 12, टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया हमने। अब ए को कितना मिला है, कुल लाभ का 1/3, तो मतलब 4, मतलब, और बी को कितना मिला है, 1/4 = 12, ठीक है, तो बी को इतना मिल गया और ए को इतना मिल गया, तो सी के हिस्से में कितना गया, सी के हिस्से में, अरे वहाँ छोड़ो तुम, टोटल कितना मारा हमने, 12 में से 4 हिस्से 3 हिस्से, तो 4 × 3 = 7, तो फिर सी के हिस्से में कितना बचा, 5, सी के हिस्से में कितना बचा, और किताब के अकॉर्डिंग कितना है, तो हमारे अकॉर्डिंग सी को 5 और किताब के अकॉर्डिंग 5000, तो बराबर रख दिया, बराबर रख के 1 निकाल दो, तो 1000 कितना। अब जो तुमसे पूछे, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, ये ए का लाभ, तो ए को कितने मिले थे, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, तो 4 × 4 और 4000, बात आ रही कुछ समझ तुम्हें, ये लीजिए 19 पे। 20 में आ जाएंगे, 20 में 20वां क्वेश्चन, 20 में क्या है, दो आदमी रमेश और सुरेश क्रम से 15000 और 25000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में दोनों को, देखो ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ, ये जो लिख रहा है ना, वर्ष के अंत में दोनों को 1000, इसे 10000 कर दो, इसे कितना कर दो, 10000, गलत है ये क्वेश्चन, वर्ष के अंत में दोनों को 10000 रुपये का लाभ होता है, ठीक, और वे लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते, बची हुई राशि में से प्रत्येक को, ये 10000 लिख रहा ना, यहाँ से एक जीरो हटा दो, 1000, वो इधर की उधर कर दिया इसने, ठीक है, 1000 रुपये लेता है तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं, तो रमेश का हिस्सा कितना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है ये। रमेश और सुरेश ने कितने कितने पैसे लगाए, 15000 और 25000 रुपये लगाए, तो जीरो तो गायब हो जाएंगे, हाँ, 5 + 3 और 5 × 5, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, 3:5। अच्छा, फिर इन्होंने क्या करा, ये चलो इसे तो यहीं छोड़ दो, वर्ष के अंत में दोनों को 10000 रुपये का लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो 10000 रुपये का हो गया, कितने हज़ार रुपये का हो गया। अब इसमें से इन्होंने क्या करा, वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं, जब 12% व्यापार में लगाते हैं, परसेंटेज में कोई भी चीज़ टोटल 100% होती है,
तो 100 में से 12% तो लगा दिया, तो बचा कितना 88%। तो इन्होंने अपने पास 88% रखा, कितने परसेंट रखा, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से कर लेते हैं भाग, ये तुम्हें पता होगी पहले से ही, पता या नहीं, तो कितना हो गया 8800। अब इनके पास 8800 रुपये बचे, और जो फालतू 10 में और जो थे वो दोबारा से व्यापार में लगा दिए, है ना। अब 8800 रुपये बचे, और सपोज करो आज हिसाब करा था इन्होंने, महीने का लास्ट है आज, है तो ज़रूरतें भी होती हैं, घर भी खर्चे पाने के लिए पैसे चाहिए, है ना। तो इन्होंने 1000 रुपये और निकाल लिए इसमें से, हिसाब हुआ, अरे हिसाब हुआ, है 12% तो व्यापार में लगा दिए, 10000 में से तो बचे 8800, है। अब शाम होगी, बारिश पड़ रही, घर से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, बोले और कल को बांट लेंगे, 1000 रुपये लेकर चल रहे हैं ऐसी घर के लिए, हाँ। तो इन्होंने 1000 रुपये और बांट लिया आपस में, देखो लिख रहा है इसमें, बची हुई राशि में से प्रत्येक 1000 रुपये लेते हैं, तो 1000 रुपये इन्होंने ले लिए, तो 2000 रुपये और कम हो गए इन 8800 में से, तो अब कितने छोड़ गए, ये 6800 रुपये छोड़ गए, कितने छोड़ गए 6800 रुपये छोड़ गए, बोले कल को आके बांट लेंगे, हाँ। अब बांटेंगे कैसे, जो अनुपात आएगा बांटने का वही, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ो, तथा फिर बची हुई राशि को उनके मूल निवेश के अनुपात में, मूल निवेश के अनुपात में, ये है निवेश का अनुपात, इसमें बांट लेंगे। तो अब टोटल कर लो आप, 3 और 5 8 बराबर, इसे रख दो 8 बराबर, ठीक है, तो 8 बराबर यहीं चिपका दूं, 8 बराबर 6800, तो 1 बराबर 8 अट्ठे 64 और 8 पंजे 40, तो 850। अब किसका हिस्सा पूछ रहे हैं जल्दी बताओ, रमेश का, तो रमेश तो 3 है, तो 3 से गुणा करो, 3 0 3 5 15 3 8 24 और 1, तो इन 6800 में से तो 2550 मिले रमेश को, पर 1000 रुपये कल भी तो दाब के लेगा था, वो भी तो इसके ही हैं, 1000 रुपये जब कल बारिश पड़ रही थी, देर हो रही थी घर को जाने की, तो 3650 रुपये आए इसके हिस्से में, 3550, ठीक है, अरे है ऑप्शन, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, समझ के तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, अब 21वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, ख़त्म हो जाएगा आज ये चैप्टर, नहीं, अच्छा फिर तो सही है, ख़त्म हो जाएगा आज ही। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष 10% 12% और 15% 10% 12% और 15% क्यों नहीं लगाया मैंने, अभी पता चलेगा तुम्हें। निवेश करता प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर समान राशि मिलती है, इन्हें बराबर रख दो, तो बराबर में परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा सबका, ठीक है। अब और काट पीट करना चाहो तो कर लो, या गुणा करके कर लेना, गुणा करके करोगे 10 छिंग और 12 धाम और 12 पंद्रियम 180, 6 कम 6 दुनी 6 तिया, पर वो तो अनुपात पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, तो ये चीज़ तो आपको बहुत पहले सिखा दी, तो जो चाहिए उसको छिपा लेते हैं, बचे हुए की गुणा कर लेते हैं, तो ये चाहिए तो 2 तिया तो 6, ये चाहिए तो 1 तिया तो 3, ये चाहिए तो 1 दुनी तो 2, बस हो गया क्वेश्चन, क्यों भाई, अब दोनों क्वेश्चन वो भी यही है बिल्कुल, जो आपका 22वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, 23वां देख लो, चलो ऐसी बात है तो, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। 8200 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से 500 रुपये अधिक और बी को सी से, नहीं सी को ए से, बताओ किसको माने, ए बी सी, हाँ, और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिले, तो फिर ए को माने, हाँ, और ये कह रहा ए को बी से 500 रुपये अधिक मिले, अगर ए को मानेंगे तो बी का कैसे पता चलेगा, तो बी को मान लो, किसको मान लें, सपोज करो बी को एक्स रुपये मिले, अब ए को जो है बी से 500 रुपये अधिक मिले, तो एक्स प्लस 500, क्यों भाई, अच्छा अब सी की बात करते हैं, सी की बात, और सी को ए से 300 रुपये अधिक, तो इसमें 300 जोड़ दो, तो एक्स प्लस, कोई दिक्कत, अब टोटल कर लो, टोटल दिया ना उसने, तो 3x + 8 और 5 1300, और उसने टोटल कितना दिया 8200, कितना दिया है, तो 3x बराबर, ये उधर जाके माइनस होना ही है, 12 में से 3 गए तो 9 बचता है, 7 में से 1 गए तो 6, तो x बराबर 3 दुनी 6 3 3 9, अब किसका मान पूछ रहा, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा तो ये रहा x + 800, तो x तो ये रहा 800 और जोड़ दो,
कितना है ऑप्शन में? 3100। तो हो गया तुम्हारा ये चैप्टर पूरा, कर लो नोट।